brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. Candid Dusting Powder, redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे चार skin problems का एक expert solution. अब रहो unstoppable Candid Dusting Powder के साथ. नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो. आज हम बात करने वाले हैं कुवैत अग्निकांड के. कुवैत के अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के शव हिंदुस्तान वापस आ गए हैं. इस भयानक हादसे को लेकर कौन कौन सी बड़ी बातें सामने आई. अहमदाबाद में एक मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने पर बवाल क्यों मच गया. आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की बयानबाजियां एक बार फिर सुर्खियों में कैसे आ गईं. दोनों संगठनों को एक दूसरे के सामने खड़ा दिखाते इन बयानों पर खुद आरएसएस और बीजेपी का क्या कहना है, इस पर बात करेंगे. कुवैत में 12 जून को लगी भीषण आग में 45 भारतीयों की जलकर मौत हो गई. वो वहाँ रहकर नौकरी कर रहे थे. मृतकों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट 14 जून को हिंदुस्तान पहुँचा. एयरक्राफ्ट केरल में कोची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, क्योंकि मृतकों में सबसे ज़्यादा 23 लोग इसी सूबे के थे, केरल के. केरल के अलावा मृतकों में तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 1-1 लोग भी थे. एक मृतक ऐसे थे जिनके राज्य का अभी पता नहीं चल पाया है. शव भारत पहुंचे तो श्रद्धांजलि देने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी गए. विजयन ने कहा कि ये देश के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना है. केरल के मजदूर हमारे राज्य के लिए जीवनदायक हैं. कुवैत में लगी आग हमारे समुदाय के लिए एक बड़ी घटना है. कुवैत में जब यह हादसा हुआ तो इसके बाद भारत के नए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को वहाँ भेजा गया था. वहाँ उनके जिम्मे 2 बड़े काम थे, हादसे में घायल भारतीयों को वहीं पर अच्छे इलाज की व्यवस्था करवाना और मृतकों के शवों को हिंदुस्तान लाने की व्यवस्था करना. कीर्तिवर्धन सिंह भी आज इसी एयरक्राफ्ट से भारत लौटे. लौटकर उन्होंने क्या कहा, आप वो सुनिए. इट इज़ नो डाउट अ वेरी ट्रेजिक एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट एंड वी आर ऑल वेरी सैड अबाउट इट. द मोमेंट आवर गवर्नमेंट गॉट टू नो दैट सच अ ट्रेजिक इंसिडेंट हैज हैपेंड, the prime minister immediately convened the meeting and instructed us to reach to Kuwait immediately and take all possible steps so that the mortal remains can be sent back as soon as possible, because that's the least that we could have done. So we reached Kuwait and the honorable prime minister had already spoken to the authorities there, to the foreign minister there and to the his highness the emir there, and I would like to say my thanks to the authorities that they did all possible, they took all possible measures and they really fully cooperated in having all the paperwork completed, the identification done in such a short time, because normally this could have taken a week or at least 10 days. Kuwait सरकार ने कहा है कि लापरवाही और लालच के कारण यह हादसा हुआ. बिल्डिंग मालिक और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए. कुवैत के गृहमंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबा ने बताया कि अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हो गई. वो घटनास्थल पर पहुंचे और मकान मालिक की गिरफ्तारी के उन्होंने हुक्म भी दिए. कहा कि इस मामले में आवासीय कानून का पालन नहीं किया गया. यहाँ नियमों के विपरीत विदेशी मजदूरों को असुरक्षित परिस्थितियों में रहने को मजबूर किया जा रहा था. कंपनी मालिक ऐसा खर्चे में कटौती के लिए कर रहे थे. कुवैत के जो राष्ट्राध्यक्ष जिन्हें वहाँ अमीर कहा जाता है, मिशाल अल अहमद अल जुबैर अल सबा ने भी इस हादसे की सघन जांच का आदेश दिया है. जांच की बात आई तो बता दें कि बिल्डिंग के क्या हाल थे और वहाँ लोग किन हालातों में रह रहे थे, इसे लेकर प्राथमिक जांच से तमाम बातें सामने आने लगी हैं. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी NBTC ग्रुप ने दक्षिणी कुवैत के मंगफ में इस बिल्डिंग को किराए पर लिया था. NBTC में काम करने वाले मजदूरों को इस बिल्डिंग में रखा जाता था. इस बिल्डिंग में कुल 196 लोग रहते थे. इससे बिल्डिंग की क्षमता से काफ़ी अधिक बताया जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार पूरी बिल्डिंग में एक ही एंट्री गेट था. बिल्डिंग की छत बंद रहती थी, इस कारण से छत के रास्ते भी लोग खुद को नहीं बचा सके. बिल्डिंग के मालिक का नाम KG अब्राहम है. मलयाली कारोबारी KG अब्राहम केरल के तिरुवल्ला के रहने वाले हैं. अब्राहम की कंपनी 1977 से कुवैत की ऑयल इंडस्ट्री का हिस्सा है. आयरनी देखिए कि इसी साल मार्च में आदुजीवितम नाम से एक फिल्म आई थी. इसमें दिखाया गया था कि कैसे बड़ी संख्या में मलयाली श्रमिक सऊदी अरब काम करने जाते हैं और फिर वहाँ बेहद विषम परिस्थितियों में रहने को मजबूर होते हैं.
करीब 150 करोड़ रुपए में ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी। फिल्म के को प्रोड्यूसर्स में से एक यही केजी अब्राहम भी थे, जिन पर अब खुद वैसे गंभीर आरोप हैं, जिन पर बनी फिल्म में उन्होंने पैसा लगाया था। जिस बिल्डिंग में इतना बड़ा हादसा हुआ उसे लेकर कुछ और भी बड़े आरोप सामने आ रहे हैं। अरब टाइम्स के मुताबिक एक जांच में पाया गया है कि जिस इमारत में आग लगी उसके ग्राउंड फ्लोर पर स्थित सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ था और इसी कारण आग लगी। कुवैत फायर डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके कमरों और अपार्टमेंट्स के बीच पार्टीशन के लिए ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल हुआ था। कुछ ऐसी ही बातें इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी कह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 7 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर करीब 2 दर्जन गैस सिलेंडर भी रखे थे। यहाँ रह रहे लोगों के लिए किसी कमरे आदि की व्यवस्था नहीं थी, बस कार्डबोर्ड और कुछ अन्य ज्वलनशील चीज़ों के बड़े बड़े टुकड़ों से सेपरेट करके इनके रहने के लिए दड़बे नुमा व्यवस्था कर दी गई थी। दड़बे में जानवर को रखा जाता है, यहाँ इंसान रह रहा था। कुवैत में रहने वाले लोगों में करीब 2/3 हिस्सा विदेशी मजदूरों का है, इनमें से भी सबसे बड़ा हिंदुस्तान से वहां जाकर काम करने वालों का है। कंस्ट्रक्शन और घरेलू सेक्टर में काम काज के लिए कुवैत बाहर से आने वाले मजदूरों पर निर्भर है, लेकिन मानवाधिकार संगठन लगातार वहां मजदूरों के रहन सहन के तरीकों पर आवाज उठाते रहते हैं। इस घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, जो अलग अलग पक्ष इससे जुड़े हैं, उनके दर्द को भी एक एक करके आप सुनिए। और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि सरकार उनके बच्चों की मदद करे, मेरी उनका घर का गुजारा हो जाए। वो जब आए थे पिछले साल जनवरी में आए थे वो, और खैर वो इसलिए गए थे कि ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, उनका घर अच्छे से चल जाए। अब उनको कौन देखेगा, सरकार उनकी मदद करे, मैं तो यही चाहती हूँ। और वहाँ पे बंदा इतना तड़प रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए इतना रो रहे थे कि अब हमें कौन देखेगा। बॉडी तो मालूम चला है कि चेन्नई आ चुका है, कोचीन, और कोचीन से दिल्ली आएगा, दिल्ली से रांची। अभी देखिए प्रशासन का किस तरह से हैंडल करते हैं। घर में और कौन कौन है? घर में उन लोग तो 2 भाई और 1 बहन था। छोटे थे बड़े? सबसे छोटे थे। बड़ी खबर यहीं तक, अब चलते हैं सुर्खियों पर। धार्मिक नारे आमतौर पर धार्मिक आयोजनों में लगते दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नारे विरोध के तौर पर लगाए जा रहे हैं। बात लोकेशन से शुरू करते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इस शहर के हरणी इलाके में मोटनाथ रेजिडेंसी नाम की एक सोसाइटी है। ये वीडियो उसी सोसाइटी का है। यहाँ मुख्यमंत्री आवास योजना के कई मकान हैं, इनमें से एक मकान एक मुस्लिम महिला को अलॉट हुआ। इस बात का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और ये कैसे हो रहा है वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। आज तक के संवाददाता दिग्विजय पाठक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मोटनाथ रेसिडेंसी में एक मुस्लिम महिला को आवास अलॉट हुआ। महिला सरकारी कर्मचारी है, उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय की एक शाखा में काम करती हैं। हालांकि उनके वहां जाने से पहले ही इस रेजिडेंसी के निवासियों ने जिला कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों को एक लिखित शिकायत भेज दी। आप दिमाग देखें इन लोगों का, जिसमें एक मुस्लिम के वहां रहने पर आपत्ति जताई गई और उनकी मौजूदगी से होने वाले संभावित खतरे और विवाद का हवाला दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक वो रेजिडेंसी में एकमात्र मुस्लिम है जिन्हें मकान आवंटित हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस विरोध की शुरुआत 2020 में हुई। तब स्थानीय लोगों ने CMO को पत्र लिखकर उनके घर के आवंटन को कैंसिल करने की मांग की। हालांकि तब हरणी पुलिस ने सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए और केस को क्लोज कर दिया। अब विरोध फिर से शुरू हो गया और इसे इस रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट बताते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नगर निगम और वडोदरा के पुलिस कमिश्नर को की गई शिकायतों में 33 लोगों ने सिग्नेचर किया है। इनकी मांग है कि लाभार्थी को आवंटित आवास को कैंसिल किया जाए और लाभार्थी को किसी दूसरी आवास योजना में ट्रांसफर किया जाए। उसी आवासों के अंदर एक आवास लघुमति को इन्होंने 4-5 साल से देके रखा है। अभी नियम ये कहता है कि लघुमति के लिए तांदलजा विस्तार अलग दिया है, अकोटा विस्तार अलग है, तो लघुमति को आवास वहाँ देना चाहिए। कहीं ना कहीं हिंदू के विस्तार में ये लघुमति को जो आवास दिया है वो आवास रद्द हो, ऐसी हमारी मांग है। साथ में अगर एक लघुमति यहाँ रहने आ जाएगा तो आजू बाजू सबको तकलीफ होगी। हमारी बात ये की है कि लघुमति को उनके विस्तार में आवास दिया जाए और हिंदू को हिंदू के विस्तार में ही आवास देने चाहिए। स्थानीय लोग मुस्लिम परिवार को मकान अलॉट करने के विरोध में कई वजहें गिना रहे हैं, जैसे अलग धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक बैकग्राउंड और गुजरात का अशांत क्षेत्र अधिनियम। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये क्या है। ये कानून गुजरात में अशांति से प्रभावित क्षेत्रों में अचल संपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित है। बेसिकली आप किस इलाके में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कहाँ नहीं,
उसकी ये बात करता है। साल 1986 में बने इस कानून के मुताबिक जिला कलेक्टर को शहर या कस्बे के किसी भाग को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है और इन क्षेत्रों में किसी भी अचल संपत्ति का पंजीकरण कराने से पहले खरीददार और संपत्ति के विक्रेता द्वारा दिए गए आवेदन पर जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य सरकार के मुताबिक इस कानून का उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मामलों की निगरानी करना है। सहयोगी दिग्विजय पाठक की रिपोर्ट के मुताबिक वडोदरा का यह इलाका साल 2020 में अशांत क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित हुआ। अब बताते हैं कि इस मामले पर प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में किसी ड्रॉ में हिस्सा लेने से किसी को रोका नहीं जा सकता और ये ड्रॉ साल 2017 में हुआ था और उस ड्रॉ में मुस्लिम महिला को मकान अलाट हुआ और अब इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। मोटरनाथ रेसिडेंसी करके जो LIG का मुख्यमंत्री आवास योजना का स्कीम बनाया गया था, स्कीम का ड्रॉ 19 जून 2017 को किया गया था। कोई भी मुख्यमंत्री आवास योजना होती है उसके ड्रॉ में सब रेसिडेंट्स या सब सिटीज़न अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ड्रॉ में की टावर में एक मकान में किसी लघुमति समुदाय के व्यक्ति को मकान अलॉट किया गया। इसके लिए बाकी के 461 के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका विरोध है कि ये एरिया अशांत धारा में है तो इसको मकान इसको तब्दील करके दूसरी जगह पे दिया जाए। इनका जो प्रेजेंटेशन है उसको हमने सुना है, उनके लिए विचार विमर्श भी किया है, लेकिन जिस दिन ड्रॉ हुआ उस दिन ये एरिया अशांत धारा में नहीं था। दस्तावेज 2018 में हुआ, 2018 के बाद ये एरिया अशांत धारा में आया है। अभी इस शख्स का दस्तावेज भी हो गया है तो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को ये जहाँ दस्तावेज हो गया है उसको रद्द करके उसको दूसरी जगह पे देना मुश्किल काम है। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन लीगली अब कुछ नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ मुस्लिम महिला को समझाया जा सकता है कि वो इस मकान को छोड़ें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा वक्त में वो मुस्लिम महिला अपने पेरेंट्स और बेटे के साथ वडोदरा के दूसरे इलाके में रहती हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में महिला ने बताया कि मैं सिर्फ इस विरोध के कारण अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्ति बेचना नहीं चाहती, मैं इंतज़ार करूंगी। मैंने कॉलोनी की मैनेजिंग कमेटी से बार बार समय लेने की कोशिश की लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। हालिया विरोध से 2 दिन पहले उन्होंने मुझे रखरखाव का बकाया मांगने के लिए बुलाया। मैंने कहा कि अगर वो मुझे निवासी के तौर पर शेयर सर्टिफिकेट देंगे तो मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने से मना कर दिया है। गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी ने अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने महिला को खुद से याचिका दायर करने की सलाह दी है। दूसरे सुर्खी पे आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार के एक बयान ने फिर से बहस छेड़ दी है कि क्या संघ और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इंद्रेश कुमार ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि राम के नाम पर चलने वाली जिस पार्टी को अहंकार हो गया था वो इस बार 240 पर रुक गई और जिस पार्टी ने राम का विरोध किया वो भी सिमट गई। इंद्रेश कुमार 13 जून को जयपुर के कानोता में रामरथ अयोध्या यात्रा पूजन समारोह में बोल रहे थे, उनका पूरा बयान आप सुन लीजिए। राम के धक्के के पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक बने नंबर दो पर खड़े कर दिए। इधर इंद्रेश कुमार का बयान आया जिसे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर तंज के तौर पर देखा गया, 240 उन्हीं का नंबर है। दूसरी तरफ भाजपा के कैंप से भी एक बयान आया, बिहार में मंत्री नितिन नबीन का बयान, क्या कहा उन्होंने आप उनसे सुन लीजिए। हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है और मेरा ये मानना है कि अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। राजनीतिक गलियारों में इन सभी बयानों के अलग अलग निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि उनके निजी बयान से संघ का कोई वास्ता नहीं, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आनी शुरू हो गई हैं। RSS ने BJP को बढ़ाया
एक नैतिक ताकत दिया है। लेकिन 10 साल में बीजेपी के शीर्ष नेता जो है उसने अगर पहला काम कौन सा किया होगा तो आरएसएस को खत्म कर। क्या आप में बगावत करने की हिम्मत है? अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में आपके जो लोग बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी जी हो, ऐसे बहुत से लोग हैं, क्या वो बगावत करेंगे मोदी और शाह जी के खिलाफ जिस तरह से भ्रष्टाचार को पाला है, पोसा है? अब चलते चलते एक सूचना हमारे उन मित्रों के लिए जो न्यूयॉर्क या उसके आसपास रहते हैं। रविवार को न्यूयॉर्क में आप कर सकते हैं ललन टॉप मुलाकात सरपंच सौरभ द्विवेदी के साथ। 16 जून को अगर मिलना है तो आप मेल कीजिए ltadda@lalantop.com पर। आपको जगह और समय के बारे में एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगी आपके इनबॉक्स में। आज का ललन टॉप शो हम इसी नोट पर कंक्लूड करते हैं। अपना अपना का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते वीकेंड के बाद, आराम के बाद आपसे मुलाकात हो, ऐसी कामना के साथ हम विदा ले रहे हैं। शुक्रिया, शुभरात्रि। आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।